Hello friends, you are watching Engineering Services Toppers Talk. Yes, ESE 2021 result has been declared today. Aur mere saath hain Devesh Kumar Devangan. Devesh has secured All India Rank 3 in Civil Engineering in ESE 2021. Aur inke bare mein bata dun, Devesh ne GATE 2021 mein All India 65 rank hasil ki thi. Aur GATE 2022 mein inki rank hai All India 28. तो देवेश कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने गेट में भी अच्छी रैंक लाए हैं, आप ईएस में भी अच्छी रैंक लाए हैं, आईआईटी दिल्ली से आपने ड्यूअल डिग्री कोर्स किया है, बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स, क्लासरूम कोर्स, देन मेडीजी में क्लासरूम कोर्स ज्वाइन किया पहले, उसके बाद फिर मेडीजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, उसके बाद फिर मेन्स मेडीजी का मेन्स बैच ज्वाइन किया, मेडीजी की मेन्स की टेस्ट सीरीज की, फिर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया। मेडीजी के जितने भी कोर्सेस होते हैं इन्होंने किए और एक्सक्लूसिव मेडीजी से कोर्सेस किए, राइट। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपके पेरेंट्स के लिए खास करके, क्योंकि आपके पेरेंट्स टीचर हैं, फादर आपके टीचर हैं, मदर लोको पायलट हैं जो इंडियन रेलवे में जॉब करती हैं, तो आपको मिडिल क्लास फैमिली से आके आईआईटी का एग्जाम क्रैक करना, फिर गेट का एग्जाम क्रैक करना, फिर ईएस का एग्जाम क्रैक करना, you have done really well in all exams. मैं उम्मीद करता हूं कि आगे सिविल सर्वेंट बन करके, IAS बन करके आप अपने आखिरी इच्छा भी पूरी करें। ये मेरा आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना है मेरी तरफ से। देवेश, क्वेश्चन ये कि IAS बनने के बाद अब अगला स्टेप क्या है? अभी सोचा है या अभी सोचना है? सर अभी सोचना है, अभी बिल्कुल सोचा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं। थर्ड रैंक लाने के लिए और गेट में 28th रैंक लाने के लिए कितना पढ़ा आपने? सर एक्चुअली मैंने मेनली मेडीजी के क्लासरूम में जो भी पढ़ाया गया है उस पे फोकस किया था। गेट के लिए कोई स्पेशल फोकस नहीं था मेरा। प्राइमरी ये था कि गेट के एक दो दिन पहले आप फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए और जो भी आपके ईएसई प्रीलिम्स के लिए जो नोट्स है वो आप पढ़ लीजिए, उससे हो जाता था। बाकी मेरा मेन टारगेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन ही था। अच्छा, तो आपने तो ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड की होंगी इस कोविड पीरियड में, कुछ ना कुछ मेंस की या? यस सर। तो क्लासेस कोर्स, हाँ, तो आप ऑनलाइन में जीएस की क्लासेस अटेंड की थी सर? ऑनलाइन में जीएस की, बाकी क्लासरूम कोर्स में की थी? यस सर। क्या एक्सपीरियंस था आपका, कि क्लासरूम कोर्स के नोट सफिशिएंट है या कोई और कुछ पढ़ने की जरूरत है? सफिशिएंट है, क्लासरूम के नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो हमें एडिशनल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं वो सफिशिएंट होते हैं। सफिशिएंट होते, कुछ आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ और पढ़ने की जरूरत है? कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो टीचर्स बोलते हैं कि आप थ्योरी बुक से पढ़ लीजिए, क्योंकि सारे कुछ क्लास में कवर करवाना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता टीचर्स के लिए भी। तो वही कुछ कुछ टॉपिक्स हमें थ्योरी बुक से पढ़ने पड़ते हैं, बट दैट्स ओके। और कुछ कुछ टीचर्स के नाम जिनको आपको याद हो? बी सिंह सर फॉर आरसीसी, एम के सिंह सर फॉर आरसीसी माय फेवरेट, and Sarkar sir for fluid mechanics and hydraulic machine, Badal sir for OCF, Ram sir for soil, ये तो common है। Rishi sir, Rishi, सभी teachers, right। चलो अब बात करते हैं कि prelims exam जब आने वाला होता है, मतलब पहले तो आपने prelims की तैयारी की होगी, तो prelims में GS का fear factor कैसा था और GS को कैसे पढ़ा आपने? सर जीएस के लिए मैंने स्पेशली ये किया था कि 6 मंथ बिफोर मैंने न्यूज की हेडलाइंस पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, इस जो रिलेटेड है हमारे जीएस रिलेटेड, तो उससे बेनिफिट मिलती है आपको टॉपिक कवर करने में और आइडिया लगाने में कि बेसिक क्या हो रहा है हमारे सराउंडिंग्स में, प्लस हमारे क्लासरूम के मेडीजी के प्रोवाइडेड लेक्चर से ऑनलाइन केसेस में ईएसई 2021 के लिए, प्लस टेस्ट सीरीज मैंने किए थे कुछ एडिशनल। जीएस में कभी ऐसा नहीं लगा कि, मतलब नॉर्मली इंजीनियर्स को थोड़ा टफ लगता है, तो आपको ऐसा कभी लगा क्या कि ये टफ होगा, इसके लिए कुछ और करने की जरूरत है? नहीं, जीएस में मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि टफ होता है, क्योंकि जीएस बेसिकली माइंड गेम है, अगर आपको आता है तो बनेगा, नहीं आता तो, जैसे करंट अफेयर्स के हमारे टाइम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, अगर वो आते हैं तो बनेंगे, नहीं आते तो आप उसमें कुछ एडिशनल कर नहीं सकते। पढ़ाए तो बनेंगे, नहीं पढ़ाए तो नहीं बनेंगे, इसमें कुछ है नहीं। हाँ, बस मेरा ये फोकस होता था कि मैथ सेफ्टी में 100% आपको करेक्ट करके आना है, तो वो आपको 45 to 50 मार्क्स आपको दे देते हैं, बाकी आप एडिशनल।
आपकी जैसे प्रिपरेशन एक दो साल चली, तो इस पीरियड में ना सेल्फ स्टडी का मोटिवेशन और टाइम मैनेजमेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मोटिवेशन बनाए रखने के लिए क्या किया? सर मोटिवेशन बनाए रखने के लिए पहला तो सर रेलवे हटने के बाद मोटिवेशन काफी डाउन हो गया था और उसी कारण लास्ट ईयर का थोड़ा मेंस बिगड़ गया था। दैट्स व्हाई इस साल मैंने काफी मतलब अपने आप को मैनेज रखा कि नहीं इस बार अच्छे से करना है, सब चीज में अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, और बस पेरेंट्स का मोटिवेट करते रहते थे तो उनके थ्रू मोटिवेशन मिलता रहा। अच्छा, और टाइम मैनेजमेंट आप पढ़ाई कितने घंटे कर लेते थे पर डे? सर इस मामले में तो मैं बड़ा वीक हूँ, मतलब ज्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स 4 to 6 hours डेली, नॉट मोर देन दैट। 4 to 6 hours से काम हो जाता था? हाँ सर, जब मैं क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूँ। आपका एग्जांपल भी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, कई लोग सोचते हैं 15-15 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है। नहीं सर। ठीक है, और मेंस एग्जामिनेशन में जैसे पेपर 1 पेपर 2 आपको कौन सा पेपर ज्यादा स्कोरिंग था, कितना अटेम्प्ट किया आपने? सर एक्चुअली मैं स्ट्रक्चरल से एमटेक किया हुआ हूँ तो हमेशा मुझे पेपर 1 रिलेटिवली इजी फील होता था, एंड पेपर 2 स्कोरिंग होता है एंड फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, एंड पेपर 1 इज मोर लाइक द कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, एंड हमको वहाँ पे जनरली जो स्ट्रक्चर के क्वेश्चन होते हैं, सोम के क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको कॉन्सेप्ट चेक होता है, एंड पेपर 2 में मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड एंड फैक्चुअल बेसिस होता है, तो मेरा स्कोरिंग पार्ट हमेशा पेपर 1 रहा है। अच्छा, गुड, तो आपका पेपर 1 स्कोरिंग रहा और आपने पेपर 1 बिकॉज एमटेक का भी आपका जो बैकग्राउंड था ड्यूअल डिग्री कॉलेज का, उस ड्यूअल डिग्री का कोर्स का, वो आपको हेल्प में रहा हो। इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आपको कोई सिमिलैरिटी लगी कि जो आपने मेडीजी में इंटरव्यू में गाइडेंस ली और इंटरव्यू में जब देने गए तो कुछ हेल्प मिली हो? मेडीजी का ऑफलाइन इंटरव्यू मतलब सर बहुत ही अच्छा लगा, मतलब किसी से कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता, मतलब जो वो वहाँ पे क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड्स थे, जो रिएक्शंस होते थे कि हम गलत आंसर कर रहे थे वो कैसे टैकल कर रहे हैं, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, सारे पॉइंट्स को टच करना, डेप्थ को टच करना, जीएस को टच करना, बहुत अच्छा लगा था सर मुझे। अच्छा अच्छा लगा, और इंटरव्यू में आपको हेल्प मिली, फियर था क्या या रिमूव हो गया था? यस सर, हम मैंने वैसे मेडीजी के अलावा भी 2-3 जगह इंटरव्यू दिए थे, तो काफी इंटरव्यू के कारण बिल्कुल फियर तो था ही नहीं, तो बस आपको जाना है, जो बेस्ट आपको परफॉर्म करके आना है। बेस्ट परफॉर्मेंस, दैट इज ग्रेट। तो इंटरव्यू के कोई क्वेश्चन याद है आपको, शेयर कर सकते हैं? यस सर, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे याद है सर। एक्चुअली मैंने अपने हॉबी में लिख रखा था वॉचिंग न्यूज रिलेटेड टू वर्ल्ड अफेयर्स, तो मेरा पहला क्वेश्चन उसी से स्टार्ट हुआ कि डू यू नो अबाउट द 9/11 अटैक्स? ओके, फिर मैंने बताया सर कि 9/11 अटैक्स में क्या हुआ, तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अच्छा ये बताइए कि जो प्लेन अटैक हुआ तो बिल्डिंग क्यों कोलैप्स हुई, आप अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर है तो ऐसा आप क्या करेंगे कि प्लेन अटैक अगर हो इन फ्यूचर तो बिल्डिंग कोलैप्स ना करे, हम लोगों की जान बचा सकते, मतलब इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन थे। फिर उन्होंने पूछा कि IS कोड क्या है, अगर इंडिया में हमको इस टाइप की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है तो हम कौन सा IS कोड यूज करेंगे, कैसी लोडिंग करेंगे, इस पे थे मोस्टली क्वेश्चन। सेकंड, अच्छा रहा, इसका मतलब कि आपका इंटरव्यू थोड़ा ना मतलब डिफरेंट था बाकी लोगों से। यस सर, मेरे से कोई भी कन्वेंशनल एक भी क्वेश्चन नहीं था, मेरे सारे क्वेश्चन थे ये ब्लास्ट एंड 9/11 अटैक्स, टनल इंजीनियरिंग, ब्रिज स्ट्रक्चर्स एंड एयरपोर्ट डिजाइन, कोई कॉमन सब्जेक्ट था ही नहीं। नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं थे, लेकिन आप कर पाए, हैंडल किया आपने, तभी अच्छा रैंक आया। हाँ, टनल वाला थोड़ा हैंडल नहीं कर पाया, बाकी ब्रिज, एयरपोर्ट और ये 9/11 अटैक्स मैंने काफी अच्छे से हैंडल किया था। ग्रेट, और कोई सजेशन स्टूडेंट के लिए आप देना चाहें? सर अभी ऐसे इंस्टेंटली तो याद नहीं आ रहा है, बट डेफिनेटली आई विल गिव। अच्छा, और अब लास्ट में कोई कुछ आप मेडीजी के लिए कुछ बोलना चाहें, एक्सपीरियंस आपका मेडीजी में, क्योंकि आप तो लगातार सारे कोर्सेज में थे। यस सर, सर मेडीजी का मतलब मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा, सारे चीज बहुत अच्छे है सर, मतलब नथिंग टू इम्प्रूव। चलिए ठीक है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ड्रीम्स टू बी रियलाइज्ड अगेन। सिविल सर्विसेज लिखो अब आप, मेरी तो यही ख्वाहिश है कि नेक्स्ट IAS के प्लेटफॉर्म से आपकी IAS की टॉपर स्टॉक लूं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।